शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूं जिन्हें आप लोग पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी आरोही शेयर कर रही है जर्मनी से। आरोही कहती हैं, आज आपके साथ मैं अपने एक कज़न जिनका नेम राहुल है और वो साउथ इंडिया की स्टेट कैलरा के रहने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 2 साल पहले की बात है। मेरे कज़न बताते हैं, एक दफ़ा की बात है, मैं रात के टाइम अपने दोस्त के घर में बैठा था, तो वहाँ से जब मैं वापस आ रहा था तो जहाँ पर उनका और उनके दोस्त का घर है उस साइड पर एक बीच भी है, जिस बीच के बारे में ये मशहूर है कि उस बीच पर शाम के बाद कोई भी नहीं जाता। डे टाइम तो लोग वहाँ पर जाते हैं लेकिन शाम होते ही कोई भी उस तरफ का रुख नहीं करता। तो मेरे कज़न को यूं ही पता नहीं क्या सूझी, वो वहाँ पर चले गए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। वो कहते हैं, मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, बड़ा पुरसकून माहौल था, दूर दूर तक सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। अभी मैं समंदर की तरफ देख ही रहा था तो तभी मुझे वहाँ पर एक परछाई सी नज़र आई, एक छवि सी नज़र आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत खड़ी हुई है। मैंने उसको गौर से देखना चाहा तो वो क्लियर नहीं था, उसके जो इमेज था वो बहुत ब्लर था। मैंने अपनी आंखों पर जैसे आंखों को मल के दोबारा देखा तो उस वक्त भी वो वहाँ पर नहीं थी, तो मुझे लगा मेरा वहम है। मैं फ़ौरन से उठा, अपना बाइक लिया और घर आ गया। नेक्स्ट डे जब मैं जॉब से वापस आ रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर जाके मैं बीच पर बैठता हूँ, वहाँ पर स्मोकिंग करूँगा, फ्रेश हो जाऊँगा, फिर घर आ जाऊँगा। तो मैं वहाँ पर जाकर बैठा। आज भी रात हो चुकी थी और वहाँ पर कोई भी नहीं था। अभी मैं वहाँ पर बैठकर स्मोकिंग कर ही रहा था तो मुझे एकदम से ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे शोल्डर पर किसी ने हाथ रखा है। जैसे वो हाथ मैंने अपने शोल्डर पर महसूस किया, मैंने फ़ौरन ही पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे थोड़ा सा तअज्जुब हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है, अभी मुझे यहाँ पर एक हाथ महसूस हुआ और अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसी टाइम मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया तो मुझे एक औरत नज़र आई जो बिल्कुल बीच के ऊपर समंदर पर खड़ी थी जहाँ पर पानी था। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि वो पानी उसके आर पार हो रहा था और वो बिल्कुल ड्राई थी, गीली भी नहीं थी, उसके कपड़े भी गीले नहीं थे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगी, सरप्राइजिंग लगी। तो मैं फ़ौरन से उठकर उसके करीब जाकर उससे पूछने ही वाला था कि तुम कौन और यहाँ पर क्या कर रही हो। जैसे मैं उसके करीब गया उसका चेहरा बहुत ज़्यादा अजीब था, वो बहुत घूर घूर के मुझे देख रही थी। उसके देखने का अंदाज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। इससे पहले मैं उससे कोई बात करता वो गायब हो गई। जब मैंने अपनी आंखों से ये मंज़र देखा कि मेरे सामने अभी एक औरत थी और वो गायब हो गई है, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सका। मैंने फ़ौरन से बाइक लिया, वहाँ से मैंने टर्न किया तो जब मैंने पलट कर देखा तो वो दोबारा से वहाँ पर अपीयर हो चुकी थी। मैं बहुत डर गया और अपने घर आ गया। घर आकर ये बात फ़िलहाल मैंने किसी से शेयर नहीं की थी, लेकिन दिल ही दिल में मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि दोबारा मैं इस बीच पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। इसके बावजूद मुझे अजीबोगरीब से ख्वाब आने लग गए। ख्वाब में मुझे वही बीच नज़र आने लग गई, वही औरत नज़र आने लगी। तो जब मेरी आँख खुलती थी तो मैं घर पर ही होता था। अगले दिन जब मैं सोने लगा तो मैं बिल्कुल नींद में था, वो ख्वाब नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने कमरे में नहीं हूँ, मैं उस बीच पर हूँ और वो जो औरत है उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक हो चुका है और बाकायदा उसने मेरे ऊपर हमला किया, मेरा गला पकड़ने की कोशिश की। तो जैसे मैंने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो मेरे पेरेंट्स जो थे वो भागते हुए मेरे कमरे में आए। जब उन्होंने मेरी हालत देखी, मैं सांस ले रहा था बहुत अजीब तरह से, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, तो उन्होंने जब मेरे माथे पर हाथ लगाया, मुझे संभालने की कोशिश की तो मुझे बहुत सब बुखार था। उन लोगों ने जैसे ही मुझे संभाला, मेरे से पूछा, तो मैंने उन्हें सारी बात बताई कि इस तरह से मैं 2 दिन से उस बीच पर जा रहा हूँ और मैंने वहाँ पर एक औरत को देखा जो सडनली मेरी आँखों के सामने गायब हो गई और अब वो मुझे ख्वाब में डरा रही है और बकायदा मैंने अभी महसूस किया कि मैं अपने रूम में नहीं हूँ, मैं इस बीच पर हूँ और वो मेरा गला दबा रही है। फ़ौरन से जो मेरे पेरेंट्स थे यानी आरोही के जो चचा चची थे वो उनको लेकर पास ही एक मंदिर में गए। वहाँ पर जो पंडित थे उन्होंने जब देखा, उन्होंने जब पूजा वगैरह की तो उनका ये कहना था कि इसके ऊपर वहाँ पर उस बीच के ऊपर एक आत्मा ने हमला किया है, वो जो बीच है वो बहुत ज़्यादा आसेब ज़्यादा है, रात के वक्त वहाँ पर बदरूहें और आत्माएं भटकती हैं और अगर कोई इंसान
शाम के बाद यानी मगरिब के बाद उस बीच की तरफ जाए तो वो जिन्नात अपना आप जाहिर करती हैं, वो बदरूहें, तो वो आत्माएं जो हैं उन इंसानों के ऊपर अपना बसेरा करने की कोशिश करती हैं। फिर वो जो पंडित साहब थे उन्होंने एक धागा मेरे कज़न की कलाई के ऊपर बांध दिया और उसे ये कहा कि दोबारा कभी भी उस बीच का रुख मत करना वरना वो आत्मा तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। उसके बाद मेरे कज़न दोबारा कभी भी उस बीच की तरफ नहीं गए और वो बेंगलोर शिफ्ट हो गए हैं और अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश हैं। ये एक स्टोरी थी जो आरोही ने जर्मनी से शेयर की। बहुत शुक्रिया आरोही आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अली रज़ा शेयर कर रहे हैं जर्मनी से। अली कहते हैं, आज से 6 साल पहले की बात है, हम लोग पाकिस्तान आए, हम लोगों ने जर्मनी से पाकिस्तान ट्रैवल किया, हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे तो हमें नेक्स्ट कराची जाना था। हम लोगों ने ट्रेन से टिकट बुक करवाए। अब जो ट्रेन का सफ़र था काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था। हम लोग सफ़र कर रहे थे, मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। तकरीबन रात 2:30 बजे जब मेरी आँख खुली तो सब सोए हुए थे। ट्रेन ज़ारो कतार अपने सफ़र पर रवा दवा थी। इसके बावजूद मेरे कानों में एक औरत की चीख मैंने गूंजती महसूस की। वो चीख बहुत क्लियर थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि इस औरत की चीखने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। वो ट्रेन की आवाज़ नहीं थी, किसी औरत की बाकायदा चीखों पुकार थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मैंने आंखें बंद कर लीं। दोबारा मैंने उस बात पर गौर ही नहीं किया। खैर हम लोग कराची पहुँच गए, वहाँ पर हम लोगों के कज़न्स थे, रिलेटिव्स थे, उनसे मिले। कुछ दिन मेरे कज़न्स मुझे लेकर बाहर घूमते फिरते रहे। फिर एक दिन मेरे एक कज़न ने मुझे ये कहा कि यहाँ पर एक बहुत कदीम और पुराना हॉस्पिटल है जो बंद हो चुका है, चलो मैं तुम्हें उसका विज़िट करवा कर लाता हूँ। हम लोग वहाँ पर चले गए। वो जो हॉस्पिटल था देखने में ही बहुत ज़्यादा पुरसरार और आसेब ज़्यादा लग रहा था। उसके खिड़कियाँ दरवाजे जगह जगह से टूटे हुए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने अपने कज़न से ये कहा मुझे अंदर नहीं जाना, लेकिन उसने ये कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं उसके साथ वो हॉस्पिटल देखने लग गया। बाकायदा वहाँ पर ये फीलिंग्स आ रही थी, महसूस हो रहा था जैसे वहाँ पर हम लोगों के अलावा भी कोई मौजूद है। मैंने खुद उसकी मौजूदगी को महसूस किया। मैं बहुत डर गया। इतने में हम लोगों को वहाँ पर मगरिब होगी। मैंने अपने कज़न से ये कहा कि चलो अब हम लोग वापस चलते हैं। जैसे हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले, मेरा कज़न मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं वो एकदम से कहाँ चला गया। हम लोग जब घर से निकले थे तो वो मुझे ये कह रहा था हम लोग वहाँ पर हाइड एंड सीख खेलेंगे। मुझे लगा कि शायद वो मुझे तंग करने के लिए कहीं छुप गया। मैं उसको आवाज़ें देता रहा, इधर उधर देखता रहा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं था। यहाँ तक कि मैं उसको ढूंढता ढूंढता उस हॉस्पिटल से दूर निकल आया। वहाँ पर मैंने देखा एक कब्रिस्तान था। मुझे कब्रिस्तान से किसी के बोलने की आवाज़ आई। मुझे लगा मेरा कज़न मुझे तंग करने के लिए यहाँ पर आ गया होगा। जैसे मैं कब्रिस्तान में गया, मैंने वहाँ पर एक बच्चे को खड़ा देखा। वो बच्चा बिल्कुल मेरे सामने कब्रों के दरमियान में खड़ा था। इससे पहले मैं उस बच्चे के करीब जाता या वो बच्चा मेरे करीब आता, उसका कद बढ़ने लग गया। यहाँ तक कि उसका कद इतना लंबा हो गया कि आसमान को छूने लग गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं वहाँ से भागा, मुझे नहीं पता मैं किस तरफ निकला, कहाँ निकला। मैं गिरा और बेहोश हो गया। मेरी आँख खुली तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ था। मेरे कज़न ने मुझे ये बताया कि जब मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता हॉस्पिटल से दूसरी तरफ आया, जिस तरफ कब्रिस्तान था, तो मुझे उस रास्ते पर बेहोश मिले। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई। मुझे डरावना ख्वाब आता था। ख्वाब में मुझे भयानक चेहरे वाली मखलूकें नज़र आती थी, जैसे जिन्नात होते हैं, वही कब्रिस्तान नज़र आता था। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं घर में ही सोया हूँ, लेकिन मैं नींद से था, मैं नींद में ही, जैसे मुझे कोई चीज़ बाकायदा साथ ले जा रही है और मैं कब्रिस्तान पहुँच गया। जब मैं कब्रिस्तान पहुँचा तो वहाँ पर मैंने एक अजीबोगरीब हुलिये की मखलूक को देखा। उसका सर नहीं था, धड़ था। धड़ ऐसे था जैसे कुत्ते का होता है, लेकिन वो भयानक आवाज़ें निकाल रही थी। उसने मेरे ऊपर हमला किया। जैसे उसने मेरे ऊपर हमला किया, मैंने वहाँ से भागना शुरू किया तो वो मेरे पीछे सैकड़ों की तादाद में थे। मैं इतना भागा कि मैं अपने घर पहुँचा। मेरी उस वक्त मेरी नींद खुली कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं गिरा और बेहोश हो गया। मेरे घर वालों ने मुझे ये बताया कि तुम घर के दरवाजे पर बेहोश पड़े थे। मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई। अब मैं बहुत ज़्यादा डरने लग गया। यहाँ तक कि हम लोगों के घर में भी अजीबोगरीब वाकयात होना शुरू हो गए। हम लोगों की चीज़ें गायब होने लगीं, हम लोगों के कपड़े फटने लगे। ऐसी ऐसी गैबी मखलूकात थी जो हमें सोने नहीं देती थी। कोई गला पकड़ता था, कोई दबाव डालने की कोशिश करता था। जब ये वाकयात हद से ज़्यादा बढ़ने लग गए, मुझे दौरे की कंडीशन बनने लगी, कोई भयानक चेहरे वाली औरत मुझे डराती थी, तो मेरे अब्बू एक आमिल साहब को लेकर आए। जब वो आमिल साहब आए, उन्होंने पढ़ाई की तो उनका ये कहना था कि आपके घर में और इस लड़के के ऊपर कोई एक जिन्नी जिन्नात का पूरा ख़ानदान है जो उसी कब्रिस्तान से इसके पीछे पड़े हैं। यहाँ तक कि वो जो
आमिर साहब तो उन्होंने पढ़ाई शुरू की तो हम लोगों के घर में पता नहीं कहाँ से काले रंग की बिल्लियाँ आने लगी। वो बिल्लियाँ सारी शहर में जमा होकर भयानक आवाज़ों में रोने लग गई। तो आमिर साहब का ये कहना था कि ये सब वही जिन्नात हैं जो बिल्ली के रूप में जाहिर हुए हैं, उन्होंने अमल किया और उनको जला दिया। यानी उनका ये कहना था कि वो गायब हो गए हैं, वो जल गए हैं, अब वो नहीं आएंगे। फिर उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया और ये कहा कि दोबारा गलती से भी उस कब्रिस्तान की तरफ मत जाना, वरना ये जिन्नात तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद मैं कुछ अरसा बीमार रहा, डरता था बहुत ज़्यादा, फिर मैं ठीक हो गया, हम लोग जर्मनी वापस आ गए। ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा है जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया अली रज़ा आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी फरहान असर शेयर कर रहे हैं यूएई से। फरहान कहते हैं कि आज आपके साथ मैं एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो कि कराची की है और ये आज से 30-35 साल पुरानी बात है। कराची के लोग जानते होंगे कि जो गुलशन जौहर से जो रोड एयरपोर्ट की तरफ जाता है, उस दौर में वो जो रोड था वो बहुत ही ज़्यादा सुनसान और वीरान होता था। उस दौर में वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झाड़ियाँ, जंगल और पीपल के दरख्त हुआ करते थे। उस वक्त वहाँ पर एएसएफ वालों ने अपना एक बोर्ड लगाया हुआ था, यानी सॉरी एक गेट लगाया हुआ था जो एयरपोर्ट की तरफ रोड जाता था वहाँ पर। उसी दौर में वहाँ पर एयरपोर्ट और एविएशन वालों ने एक कांटेदार जो वायर होती है वो उन लोगों ने पूरे रनवे पर लगाई थी जो गुलशन जौहर से मॉडल टाउन तक जाती थी। वहाँ पर जो एयरपोर्ट वाले थे उन लोगों ने कुछ जैसे बॉक्सेस होते हैं वो बनवाए हुए थे, पोस्ट बॉक्स होते थे वहाँ पर। वहाँ पर उनके फोर्स के कुछ जवान होते थे जो वहाँ पर बकायदा पहरा दिया करते थे, ड्यूटी दिया करते थे। तो रात के वक्त वहाँ पर उनकी ही फ़ोर्स की एक गाड़ी गश्त पर आया करती थी जो आकर वहाँ पर विज़िट किया करती थी और विसल बजाया करती थी, जिससे उनको ये पता लगता था कि हर चौकी पर उनका एक सोल्जर मौजूद है। वो आगे से उनको रिस्पॉन्स देते थे विसल बजा कर कि हम लोग अपनी जगह पर मौजूद हैं। बकायदा वहाँ पर एक कैबिन बनाया जाता था जिसमें पंखा होता था, चेयर होती थी, उसकी एक विंडो होती थी और दरवाज़ा होता था, जहाँ पर वो लोग रात के टाइम अपनी ड्यूटी दिया करते थे। इसी तरह से जब उनकी वो जो फोर्स उनकी थी, रात को जब वो पहरे पर आई, गश्त पर आई देखने के लिए कि सारे जितने भी उनके सोल्जर हैं वो अपनी अपनी पोस्ट पर हैं या नहीं, ड्यूटी पर हैं या नहीं, तो उन्होंने एक मखसूस जगह पर जाकर जब विसल बजाई तो उनको आगे से उस विसल के रिस्पॉन्स में दोबारा कोई विसल नहीं आई। 2-3 दफ़ा उन्होंने दोबारा से विसल बजाई तो उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि वो आगे से हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे। जैसे वो लोग उसके केबन की तरफ गए तो वो लोग क्या देखते हैं कि वो जो सोल्जर था उनका वो आधा केबन के अंदर था, आधा बाहर था। फ़ौरन से उन लोगों ने उसको उठाया और PIA के पास ही एक डिस्पेंसरी थी वहाँ पर ले गए। वहाँ पर जब उन्होंने उसको फर्स्ट एड दी, कुछ उसका चेकअप किया, कुछ मेडिसिन दी, तो उसको होश आया तो बहुत डरा हुआ था। तो लोगों ने उससे ये पूछा कि तुम वहाँ पर बेहोश पड़े थे, तुम्हें क्या हुआ है? उसका ये कहना था कि मैं अपनी ड्यूटी पर था, तभी एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई लड़की आई है, यानी वो दुल्हन के रूप में है, और वो आकर बकायदा मेरी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई है। मैंने खुद उसको वहाँ पर खड़े देखा है। वो वहाँ पर खड़ी होकर मेरी तरफ़ देख रही थी, तो मैंने उससे बहुत ऊंची आवाज़ में पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? इस तरफ तो कोई आबादी भी नहीं है, सारे जंगल हैं, पीपल के दरख्त हैं, दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं है, और ये रनवे का रोड है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसने जैसे ही वो कहता कि मैंने दुल्हन को देखा, वो विंडो में खड़ी होकर मुझे ही देख रही थी। मैं दरवाज़ा खोलकर अपने केबिन से उसकी तरफ जाने लगा, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हुई थी। जब मैंने उसे देखा तो मैं डर गया कि ये दुल्हन बनी हुई है, यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने उससे पूछा, वो किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया कि जो चुड़ैल होती है वो भी दुल्हन के रूप में आती है और उनके पाँव उल्टे होते हैं, तो मैं उसके पाँव की तरफ जब देखने लगा तो उसने मुझे आगे से ये कहा कि मेरे पैरों की तरफ मत देखो, मेरे चेहरे की तरफ देखो। ये कहने की देर थी तो एकदम से उसने मेरा गला पकड़ लिया। जब उसने मेरा गला पकड़ा तो उसका चेहरा बिगड़ गया। वो कहते हैं मैं वहीं पर गिरा और वो गायब हो गई। उसके बाद वो इतना शदीद डरे कि वहाँ पर उन्होंने हर उस वो जो उनकी वो जो चौकी या जो पोस्ट ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ था जहाँ पर उन्होंने सबको वहाँ पर रखा हुआ था, वहाँ पर उन्होंने 2-2 लोगों की ड्यूटी लगा दी। अब वो जगह बहुत आबाद है, अब वहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है, आबादी फैल चुकी है हर तरफ। लेकिन ये उस दौर की बात है जब वो जगह वीरान होती थी तो वहाँ पर जिन्नात और चुड़ैलें
इस तरह से लोगों को डराया करती थी। ये एक स्टोरी थी जो फरहान असर ने यूएई से शेयर की। बहुत शुक्रिया फरहान आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जैन शेयर कर रहे हैं अटक से। जैन कहते हैं, मेरा एक दोस्त है, उसने आज अपने चाचू की ज़िंदगी में पेश आने वाली कहानी शेयर की है। वो बताता है, मेरे चाचू कहते हैं, ये तब की बात है जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम लोग गाँव में रहते थे। जिस तरह से बच्चों को आदत होती है शरारतें करने की, दोपहर भर बाहर घूमने फिरने की, हम लोग भी खेलने जाया करते थे। लेकिन हम लोगों के अब्बू सख्ती से मना करते थे कि दोपहर के वक्त, सुनसान दोपहर होती है गर्मियों की, तो तुम लोगों ने घर से बाहर नहीं निकलना। लेकिन हम लोग अपनी आदत से मजबूर थे, हम लोगों ने अम्मी के सोने का इंतज़ार किया। दोपहर को जब अम्मी सोने के लिए चली गई कमरे में, अम्मी सो गई, तो हम लोग अपने घर से बाहर निकल आए। बाहर हम लोगों के दोस्त और कज़न हम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। उन लोगों के साथ हम लोग खेलते कूदते थे। तो हम लोगों ने एक ऐसी जगह थी जो गांव से हटकर थी, उस जगह पर बहुत घने और बहुत बड़े बड़े दरख्त होते थे। हम लोगों ने एक पीपल के दरख्त के साथ एक झूला बांधा हुआ था। अक्सर दोपहर को हम लोग उस झूले के पास जाकर खेला करते थे। लेकिन काफ़ी दिनों से हम लोग उस झूले के पास नहीं गए थे। हम सारे दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि चलो हम लोग झूले के पास जाते हैं। जब हम लोग झूले के पास गए तो हम लोगों से पहले वहाँ पर कुछ बच्चियाँ खेल रही थी। वो बच्चियाँ बिल्कुल छोटी छोटी थी। जब हम लोगों ने उन बच्चियों को देखा तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। धूप बहुत तेज़ थी तो इतने में हम लोग दरख्त की छांव में बैठ गए। जब हम लोग दरख्त की छांव में बैठे तो हम लोगों में से एक कज़न ने देखा तो दरख्त के ऊपर एक औरत बैठी थी। उसने कहा कि ये दरख्त के ऊपर कोई औरत कैसे बैठ सकती है। जब हम लोगों ने उन लड़कियों से पूछा कि तुम लोग गांव की आबादी से दूर यहाँ पर क्या करने आई हो, तो उन बच्चियों का ये कहना था, हम लोग इसी दरख्त पर रहती हैं, हम लोग तो अक्सर तुम लोगों को देखते हैं, तुम लोग यहाँ पर आते हो, इतने अरसे से तुम लोग आए नहीं, तो हम लोगों ने यहाँ पर खेलना शुरू कर दिया। जब हम लोगों ने ये बात सुनी कि ये कैसे मुमकिन है, ये लोग दरख्त पर कैसे रह सकते हैं, हम लोगों ने सब ने जब ऊपर दरख्त की तरफ देखा तो वहाँ पर एक औरत बैठी थी। वो औरत बहुत ज़्यादा अजीब थी। उस औरत के बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे जो दरख्त से नीचे तक आए हुए थे। इतने में हम लोगों में से एक दोस्त था हम लोगों का, जिसकी एज हमसे बड़ी थी, वो 14-15 साल का था। उसने हमें इशारा किया कि यहाँ से भागो, ये इंसान ने जिन्नात है। उसका इशारा मिलते ही हम लोग जब वहाँ से भागने लगे तो वो जो औरत दरख्त पर बैठी थी उसने एक बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ निकाली और दरख्त से नीचे छलांग लगाकर हम लोगों के पीछे भागने लग गई और वो जो लड़कियाँ थी वो गायब हो गईं। जैसे ही वो औरत हम लोगों के पीछे भागी तो हम लोगों का एक कज़न था, वो डर के मारे तेज़ भाग नहीं सका। उसने उसको पकड़ लिया और उसकी कमर के ऊपर बहुत ज़ोर से हाथ मारा और उसको ये कहा कि दोबारा इस दरख्त की तरफ मत आना वरना तुम लोगों की जान ले लेंगे, और वो औरत गायब होगी। हम लोग बहुत डर गए, चीखे मारते हुए अपने कज़न को लेकर हम लोग घर आ गए। लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, उसको दौरे पड़ने लग गए, उसको वही औरत भयानक चेहरा लेकर बार बार डराने लग गई। तो जब उसके घर वालों को पता चला तो हम लोगों ने उसके घर वालों को भी ये सारी बात बताई। उसके बाद उसको लेकर एक मौलवी साहब के पास गए। मौलवी साहब ने जब पढ़ाई की तो उनका ये कहना था कि उस दरख्त के ऊपर बहुत ज़्यादा भयानक जिन्नात का बसेरा है, उन्हीं जिन्नात ने इनको अपना आप जाहिर किया है। ये लोग जब वहाँ से डर के भागे हैं तो वो इसके पीछे आए हैं। वो बार बार ये कहता था, मेरी कमर में बहुत दर्द है। जब उसकी कमर देखी गई तो उसकी कमर के ऊपर पूरा हाथ का एक निशान था, ऐसे लग रहा था पूरा हाथ का एक पंजा बना हुआ है और वो नील के कलर का था। उसके बाद मौलवी साहब ने उसको तावीज़ दिया। हम लोगों को भी घर से डांट पड़ी कि वो जो दरख्त और वो जो इलाके थे वो सुनसान बियाबान और असेब ज़दा हैं और गर्मियों की दोपहर में वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात होते हैं जो उस झूले पर उस दिन खेल रहे थे। फिर वो मेरे चाचू बताते हैं, काफ़ी अरसे की बात है ये, जब हम छोटे थे, तो अब हम लोग सब बड़े हैं, एजेड हैं, लेकिन आज भी उसकी कमर के ऊपर वो हाथ का निशान मौजूद है। ये एक स्टोरी थी जो जैन ने अटक से शेयर की। बहुत शुक्रिया जैन आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अली शेयर कर रहे हैं कराची से। अली कहते हैं कि मैं आपके साथ अभी रिसेंटली हम लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा नाकाबिले फरामोश हादसा हुआ है जो शेयर करना चाहता हूँ। 13 अप्रैल को मेरी शादी हुई है। अपनी शादी के कुछ दिन के बाद मैं अपनी मिसेस को लेकर अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर गया। वहाँ पर हम लोगों ने सलाम किया। जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तो रास्ते में हम लोगों की गाड़ी ख़राब हो गई, यहाँ तक कि गाड़ी को ठीक करवाते करवाते रात के 2 बज गए। जब हम लोग वहाँ से वापस घर आए तो बहुत थके हुए थे। जब हम लोग अगले दिन जाके तो मेरी मिसेस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बार बार वो एक बात ये कह रही थी कि मुझे कोई औरत नज़र आ रही है, मुझे घर में कोई औरत नज़र आ रही है, बार बार एक ही बात करती थी। काफ़ी दिन उसने एक ही बात की, मुझे कोई औरत नज़र आ रही है। मैं उसको बार बार ये कह रहा था कि तुम वहम कर रही हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मेरा एक छोटा भाई है, वो छत पर सो रहा था, गर्मी का ही मौसम है, वो कहता है कि
मैं भी सोया हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि छत पर कोई चल फिर रहा है। उस आहट से जब मेरी आँख खुली तो मैं क्या देखता हूँ, मेरी चारपाई के पास से एक औरत गुजर कर जा रही है और वो औरत जो थी वो चलती चलती छत के एक कोने में जाकर बैठी और उसने रोना शुरू कर दिया। मेरा भाई तो इस हद तक खौफजदा हुआ कि उसने उसको बुलाया भी नहीं और वहाँ से नीचे आ गया। डर के मारे उसने सारी रात गुजारी। उसके बाद उसने सुबह उठकर हमें ये बात बताई। अब मसला ये है कि मेरी मिसेज को ख्वाब में वो औरत बार बार नज़र आती है और आकर ये कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी मिसेज बहुत ज़्यादा डरती हैं। हम लोगों के घर में से रात के टाइम पायलों की आवाज़ आती है, ऐसे लगता है कभी कोई चूड़ी खनकती है लेकिन नज़र कोई नहीं आता। हम लोग आधी रात को सोए होते हैं, कोई पायल पहनकर हम लोगों के घर में चलता फिरता है। वो औरत अभी भी हम लोगों के बहुत से फैमिली मेम्बर्स को नज़र आ चुकी है। हम लोग बहुत कोशिश में हैं, बहुत तलाश में हैं कि हम लोगों को कोई आमिल साहब मिले और हम उनको अपना ये मसला बताएं और हमारी जान छूट सके। आप भी हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें इस मुश्किल से निजात दे। बिल्कुल अली, मेरी आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की मुश्किल आसान करे जल्द अज जल्द, आमीन। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshirmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर बसेरा नावल की आज लास्ट एपिसोड है, उसको ज़रूर विज़िट करिएगा, आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। इसके बाद मैं नेक्स्ट नावल ऑन एयर करूँगी जो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होगा, वो भी आप ज़रूर विज़िट करिएगा। बहुत हॉरर नावल मैं लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।